Hi, this is Professor Matula, back with new video lecture. Last lecture में हमने बात की थी introduction to endocrinology, जिसमें हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह chemical messengers principal cell से secrete होके release होके target cells तक जाते हैं और वो चार types जो हमने discuss की exocrine, paracrine, neurocrine और autocrine केमिकल मैसेंजर्स, जिसमें हमने इन शॉर्ट ब्रीफ डिस्कस किया कि किस तरह प्रिंसिपल सेल से एक केमिकल मैसेंजर सब्सटेंस की फॉर्म में रिलीज़ होता है और टारगेट सेल तक जाता है, जहाँ पर वो विद इन द सेल चेंजेस लेकर आता है ताकि वो एक्टिविटी परफॉर्म हो सके. आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, कि जो इंडोक्राइनोलॉजी है बेसिकली वो स्टडी है इंडोक्राइन ग्लैंड्स की. और इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है. डक्टलेस ग्लैंड्स से मुराद ऐसे ग्लैंड्स जिनका कोई मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ना हो प्रॉपर, यानी उनकी जो रिलीज है वो किसी भी इंडोक्राइन ग्लैंड से हो, वो डायरेक्टली पोर करती है, रिलीज होती है इनटू द ब्लड. और जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ब्लड इज़ द मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट का फॉर द इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज, यानी इनमें जितने भी रिलीज या सिक्रीशंस होती है बेसिकली वो ब्लड के ज़रिए ही ट्रांसपोर्ट की जाती है. अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स इनका काम है सिंथेसाइज करना उन सब हार्मोन्स को और फिर फर्दर रिलीज करना अपॉन एनी नर्व इम्पल्स इनटू द ब्लड, ताकि वो प्रिंसिपल सेल जहाँ पर भी ये मौजूद हो वहाँ से रिलीज हो और वहाँ से ये सारी सिक्रीशंस जो है वो ट्रेवल करे इनटू द टारगेट सेल. देर आर सम मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हम इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और फिर इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे डिटेल्स में इनकी सिक्रीशंस और जितने भी इनके फंक्शंस है, इनके साथ डिजीज़ का जो ताल्लुक है, चाहे इनकी अपर सिक्रीशंस की वजह से होती हो या हाइपो सिक्रीशंस की वजह से, तो वो सारे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो बिल्कुल एक नर्वस सिस्टम को अटैच करता है इंडोक्राइन सिस्टम के साथ हाइपोथैलेमस के ज़रिए बंडल ऑफ नर्व्स, जहाँ पर पहला ग्लैंड मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है. अब मास्टर ग्लैंड या प्रिंसिपल ग्लैंड से मुराद एक ऐसा ग्लैंड जो सब फंक्शंस को रेगुलेट करता हो इन टर्म्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी ये या डायरेक्टली रेगुलेट करता है या ऐसे फैक्टर्स रिलीज करता है कि उनकी वजह से जितने भी ग्लैंड्स हैं वो रेगुलेट या कंट्रोल होते हैं, जिन्हें हम तफसील से नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली इट्स द फर्स्ट जंक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हाइपोथैलेमस के ज़रिए पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट किया जाता है ताकि ये अपनी सिक्रीशंस जो है वो परफॉर्म कर सके. इसमें स्ट्रक्चर के लिए हम डिटेल से देखेंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर है और मीडियन लोब है, लेकिन चूंकि इंटीरियर पिट्यूटरी अक्सर जो है वो रेगुलेटिंग फैक्टर्स रिलीज करता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दैट वी हैव ऑक्सीटोसिन जो बेसिकली लेबर में की रिलीज या उसको स्मूथ बनाने के लिए हेल्प आउट करता है. नेक्स्ट इसी एरिया में द अपर जो ब्रेन पार्ट है क्रेनियम में, एक और स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लैंड हमारे पास मौजूद है, दैट्स कॉल्ड एज द पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड का काम है मेलाटोनिन या सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करना अपॉन द डार्कनेस और स्लीप साइकिल को, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेकिया के जो बिल्कुल एंटीरियर एंड पर एक ग्लैंड मौजूद है जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है,
और इट्स अ बटरफ्लाई शेप्ड जो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है। यही थायराइड ग्लैंड अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो या हाइपो सिक्रीशन हो तो ये बहुत सारे डिजीज़ को या डिसऑर्डर्स को जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, उनमें हेल्प आउट कर सकता है। थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल सामने फोर जो नंबर है वो पैरा थायराइड ग्लैंड के मौजूद है। बेसिकली इनके अपने हार्मोन्स है वो, और उसके ज़रिए वो इनको रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द थाइमस, दैट इज़ अल्मा माटेर ऑफ द WBCs, स्पेसिफिकली बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो यहाँ पर आके मेच्योर होते हैं और फिर इम्यून सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। इनकी भी अपनी हार्मोन्स है जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द पेंक्रियास, और पेंक्रियास में हमारे पास इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, और पेंक्रियाटिक जूसेस विद रिस्पेक्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट रेगुलेट्स बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। वो हम तफसील से देखेंगे किस तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है और किस तरह ये एंडोक्राइन सिस्टम में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट ऑन द सरफेस ऑफ द किडनीज टू इन नंबर अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जो बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। वो दो पार्ट्स जो है वो बेसिकली, एक है हमारे पास द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द सेकेंड इज़ द एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, उसके अपने हार्मोन्स है और एड्रिनल मेडुला के अपने हार्मोन्स है। नेक्स्ट देन वी हैव द ओरिज एंड टेस्टिस, ओरिज ऑन फीमेल्स जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, एंड देन वी हैव टेस्टिस इन मेल्स जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं प्यूबर्टी से देन एंड तक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, वील स्टार्ट विद द केमिस्ट्री ऑफ हार्मोन एंड देन वी विल टेक इट टू द पिट्यूटरी ग्लैंड।